करेंगे लेसन नंबर 10 रिप वैन विंकल। ओके, रिप वैन विंकल जो है एक पर्सन का नाम है, यानी एक आदमी का नाम है, और पूरी स्टोरी जो है ये एक अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी है जिसमें रिप वैन विंकल जो है एक बहुत ही लेजी मैन रहता है। लेजी इन द सेंस आलसी रहता है, ठीक है, उसको कोई भी काम करना पसंद नहीं होता है। तो हम देखेंगे इस पूरी स्टोरी में कि कैसे रिप वैन विंकल क्या करता है और क्या होता है इस स्टोरी में। अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिफोर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द वर्ड मीनिंग। ओके, द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, द वर्ड LAZY लैजी मीन्स होता है आलसी। JOB जॉब मीन्स नौकरी या काम। TIRED टायर्ड मीन्स होता है थकना। FAVOURITE फेवरेट मीन्स होता है प्रिय या पसंदीदा, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं ना, आपकी फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है, आपका फेवरेट डिश कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट कंपेनियन, COMPANION कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स होता है साथी, लाइक दैट हम कह सकते हैं कि फ्रेंड। ओके, CROSSED क्रॉस्ड मीन्स होता है पार करना। STREAM स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स होता है धारा, यानी नदी की जो धारा होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम। SPOT स्पॉट मीन्स होता है कोई विशेष स्थान, यानी पर्टिकुलर कोई भी प्लेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज, EXERCISE एक्सरसाइज मीन्स कार्य या कोई काम। BREATH ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना, मीन्स इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना। स्ट्रेंज, STRANGE स्ट्रेंज मीन्स अजनबी या आश्चर्यजनक, ठीक है। BARREL बैरल मीन्स ड्रम, यानी कोई बड़ा, जैसे ड्रम होता है ना बड़ा जिसमें पानी वगैरह भरते हैं, इस टाइप से बड़ा पात्र या बर्तन। AVOID अवॉइड मीन्स बचना। REFUSE रिफ्यूज मीन्स मना करना या डिनाई करना। CAVE केव मीन्स गुफा। IGNORED इग्नोर्ड इट मीन्स नज़रअंदाज करना, यानी ध्यान नहीं देना। DIPPED डिप्ड मीन्स होता है डुबाना। AVOKE अवोक मीन्स नींद से जगना, इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड अवेक। अवेक मीन्स होता है उठना या जगना, तो उसका सेकेंड फॉर्म क्या है, अवोक। RESPONSE रिस्पॉन्स मीन्स होता है जवाब। BEARD बियर्ड मीन्स दाढ़ी। PUZZLED पजल्ड मीन्स हतप्रभ या परेशान होना, ठीक है, हम बोलते हैं ना कोई काम को करते करते परेशान हो जाते हैं तो भी पजल्ड हो गए। CROWD क्राउड मीन्स होता है भीड़। REMEMBER रिमेम्बर मीन्स याद, कोई चीज को याद करना, दैट इज रिमेम्बर। RETURNED रिटर्न्ड मीन्स वापस लौट कर आना। OBERJOYED ओवर जॉय मीन्स बहुत खुश होना। RECOGNISE
रिकग्नाइज मीन्स पहचानना, आई एन डी डबल ई डी इंडीड मीन्स वास्तव में, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके लेसन नंबर 10 रिप एंड विंकल में कहीं ना कहीं यूज हुए हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट दैट लेसन 10 रिप एंड विंकल, रिप एंड विंकल। ओके, रिप वैन विंकल वाज अ लेजी मैन, ठीक है। रिप वैन विंकल जो था वह कैसा आदमी था, एक आलसी आदमी था। ही स्लेप्ट द होल डे, ही स्लेप्ट द होल डे, इट मीन्स वह दिन भर सोता रहता था। His wife tried her best to get Rip Van Winkle to take up a job. His wife tried her best to get Rip Van Winkle to take a job. यानी उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो पत्नी थी, उसने काफ़ी कोशिश की कि Rip Van Winkle को कोई जॉब मिल जाए या Rip Van Winkle कोई जॉब करने लगे। When he did get a job, He was asked to leave because he slept too much. और जब उसको जॉब मिल गई तो उससे क्या कहा गया, उसको जॉब छोड़ने के लिए कहा गया, because he slept too much, वह सोता ही रहता था। One day, Rip Van Winkle tired of his wife. One day, Rip Van Winkle tired of his wife telling him to get a job. और एक दिन Rip Van Winkle जो था वह क्या हो गया, अपनी वाइफ से परेशान हो गया, tired means थकना, अपनी वाइफ से वह परेशान हो गया जो उसको बार बार क्या कहती थी कि जॉब करो जॉब करो। जैसे आप लोग भी कभी कभी मम्मा या पापा के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं, ठीक है, कि आपको बार बार पढ़ने का बोलते हैं, उसी टाइप से Rip Van Winkle जो था वह भी अपनी वाइफ से परेशान हो गया था। रेन अप अ माउंटेन विथ हिज फेवरेट कंपेनियन हिज डॉग, और वह परेशान होके घर छोड़ के कहाँ चला जाता है, माउंटेन पर चला जाता है, किसके साथ, माउंटेन विथ हिज फेवरेट कंपेनियन, उसके प्यारा जो साथी था हिज डॉग, यानी उसका जो डॉगी था उसके साथ वह कहाँ चला गया, माउंटेन पर। ही रीच्ड द टॉप, क्रॉस्ड अ स्ट्रीम, वेंट टू अ स्पॉट वेयर Nobody ever came and he sat down there. वह कहाँ गया, he reached the top. वह माउंटेन यानी पहाड़ी के सबसे ऊपर पहुँच गया, crossed a stream. और रास्ते में उसने क्या क्रॉस किया, एक स्ट्रीम को क्रॉस किया, एक नदी की जो धारा बह रही थी उसको क्रॉस किया। Went to a spot where nobody ever came. और वह ऐसे spot यानी ऐसी जगह गया जहाँ पर कोई भी नहीं आता था। एंड ही सेट डाउन देयर, और वह वहाँ जाके क्या किया उसने, वह वहाँ जाके बैठ गया। ही हैड नेवर हैड सो मच एक्सरसाइज इन हिज लाइफ, उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं किया था। ही वॉज जस्ट गेटिंग बैक हिज ब्रीथ वेन ही हर्ड समवन कॉल हिज नेम Rip Van Winkle. He was just getting back his breath. उसने अपनी सांस दोबारा ली when he heard, जब उसने अपना नाम सुना वहां पर, Rip Van Winkle. Strange. Nobody knows me here. Then who is calling me? वह सोचता है strange, आश्चर्यजनक. Nobody knows me here. यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं जानता है. Then who is calling me? तो फिर मेरा नाम यहाँ पर कौन पुकार रहा है, कौन मुझे आवाज़ लगा रहा है, थॉट Rip Van Winkle. Rip Van Winkle ने ऐसा सोचा। ही टर्न्ड अराउंड एंड सा अ फनी लुकिंग मैन कैरिंग अ बिग बैरल, ही टर्न्ड अराउंड, उसने मुड़ के देखा और क्या देखा, अ फनी लुकिंग मैन, फनी लुकिंग मैन इन द सेंस जिसको देखकर हमें हंसी आ जाए, यानी या तो उनके कपड़े ऐसे हो जिसको देखकर हमें हंसी आ जाए, जैसे जोकर हम बोल सकते हैं, इस टाइप से
एक फनी लुकिंग मैन को किसने देखा? रिप वैन विंकल ने, कैरिंग अ बिग बैरल, और जिसने क्या ले रखा था? एक बड़ा सारा ड्रम उठा रखा था। द फनी लुकिंग मैन सेड, प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैरल टू माई फ्रेंड्स अ लिटिल बिलो द स्ट्रीम। उसने, फनी लुकिंग मैन ने क्या कहा? प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैरल टू माई फ्रेंड्स, ये जो बैरल उसने जो उठा रखा था उसको उसके फ्रेंड्स तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। और वह उनके फ्रेंड्स कहाँ थे सारे? अ लिटिल बिलो द स्ट्रीम, यानी जो धारा है उसके पास में। नाउ रिप वैन विंकल हैड क्लाइम्ड सो फार अप द माउंटेन टू अवॉइड वर्क। रिप वैन विंकल हैड क्लाइम्ड सो फार अप द माउंटेन टू अवॉइड वर्क। रिप वैन विंकल जो था वह इतनी दूर क्यों आया था माउंटेन पर? वह इतनी दूर माउंटेन पर क्यों चढ़ा था? क्योंकि उसको काम करना पसंद नहीं था, उसने काम से बचने के लिए वो माउंटेन पर आया था। हियर वॉज अ मैन आस्किंग फॉर हेल्प, लेकिन यहाँ पर एक आदमी है जो उसको हेल्प के लिए बुला रहा है। ही फर्स्ट डिसाइडेड टू रिफ्यूज बट देन थॉट लेट मी हेल्प द पुअर मैन देन आई कैन रेस्ट। ही फर्स्ट डिसाइडेड टू रिफ्यूज, उसने पहले क्या सोचा कि मैं उसको मना कर दूं, बट देन थॉट, लेकिन फिर उसने बाद में सोचा लेट मी हेल्प द पुअर मैन, मुझे इस आदमी की मदद करना चाहिए, देन आई कैन टेक रेस्ट, और उसके बाद मैं रेस्ट कर सकता हूँ। सो ही एंड द फनी लुकिंग मैन वॉक डाउन टू अ केव इन द माउंटेन। और फिर उसने क्या किया, वह और फनी लुकिंग मैन दोनों कहाँ गए? एक गुफा के अंदर गए, कहाँ पर? माउंटेन में, बिलो द स्ट्रीम। और वह गुफा कहाँ थी? स्ट्रीम, जो धारा थी उसके नीचे। देयर रिप वैन विंकल सा मेनी अदर फनी लुकिंग मैन, और वहाँ रिप वैन विंकल ने क्या देखा? बहुत सारे फनी लुकिंग मैन और भी थे। ऑल ऑफ देम वर प्लेइंग, और वो सब क्या कर रहे थे? ऑल ऑफ देम वर प्लेइंग, वो सभी खेल रहे थे। दे इग्नोर्ड हिम, यानी वो आपस में खेल रहे थे और उन्होंने रिप वैन विंकल की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। एज सून एज द बैरल वॉज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, और जैसे ही, एज सून एज मतलब जैसे ही उस बैरल को ग्राउंड पर रखा, द मैन पुल्ड आउट मग्स डिप्ड देम इनटू द बैरल एंड ड्रैंक समथिंग, इट वॉज अ स्ट्रेंज स्वीट ड्रिंक। और जैसे ही उस बैरल को ग्राउंड पर रखा, द मैन पुल्ड आउट मग्स, जो आदमी थे, जो फनी लुकिंग मैन्स थे वहां पर, जो कि आपस में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। उन्होंने अपने अपने मग निकाल लिए, डिप्ड देम इनटू द बैरल, और उन मग्स को क्या किया, उनने उस बैरल के अंदर डिप किया, एंड ड्रिंक समथिंग, और उसको कुछ पीने लग गए। ठीक है, उनने मग निकाला अपना, उसको बैरल के अंदर जो भी लिक्विड था उसमें से भरा और उसको पीने लग गए। इट वॉज अ स्ट्रेंज स्वीट ड्रिंक, और वो क्या था? एक स्ट्रेंज स्वीट ड्रिंक। स्ट्रेंज मीन्स रिप वैन विंकल को नहीं पता था कि वो क्या है, लेकिन कैसा था वो टेस्ट में? स्वीट था। रिप वैन विंकल टू डिप्ड अ मग इन द बैरल एंड ड्रैंक इट, और रिप वैन विंकल ने भी क्या किया, मग को बैरल में डीप किया और उस ड्रिंक को पी लिया। इट टेस्टेड गुड, उसका स्वाद कैसा आ रहा था? अच्छा था। ही हैड वन मोर मग, उसने एक मग और पिया। आफ्टर हैविंग थ्री मग्स ही फेल अस्लीप, और तीन मग पीने के बाद ही फेल अस्लीप, यानी वह सो गया, कैसे? गहरी नींद में। वेन ही अवोक He saw that all the funny looking man had gone. और जब वह उठा तो उसने क्या देखा, All the funny looking man had gone. सारे funny looking men जो थे वह चले गए थे। He called out to his dog, but there was no response. फिर उसने क्या किया, उसके dog को आवाज़ लगाई, लेकिन उसे कोई response, कोई जवाब नहीं मिला। He could not believe He had slept the whole day and night, और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह पूरा रात और दिन सोता रहा। He
ही गॉट अप, वह उठा. हिज जॉइंट्स एक्ट, यानी एक्ट मीन्स होता है दर्द करना, दर्द होना. तो उसके जॉइंट्स जो थे, यानी उसके एल्बो, नीस, कंधे वगैरह सभी क्या हो रहे थे, दर्द हो रहे थे. नाउ एज ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक होम, ही सा द विलेज डाउन बिलो विच सम हाउ सीम्ड चेंज. और जैसे जैसे उसने अपने घर की तरफ चलना शुरू किया, उसने क्या देखा, उसका जो विलेज है उसे कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है. वेन ही इंटर्ड द विलेज ही सा न्यू फेसेस, और जब उसने विलेज में एंटर किया, ही सा न्यू फेसेस, उसको कुछ नए चेहरे वहाँ पर दिखाई दिए. All the people looked at him and rubbed their chins. सारे गांव के अंदर जो भी आदमी थे, जिसने भी रिप वैन विंकल को देखा, वो सभी उसको देख रहे थे और rubbed their chins, यानी अपनी जो दाढ़ी थी उस पर हाथ फेर रहे थे, यानी वो सोच रहे थे कि ये कौन है. Seeing them to this, रिप वैन विंकल did the same. और जैसे ही वो सब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, उनको देखकर रिप वैन विंकल ने भी वैसा ही किया. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दैट ही हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग बियर्ड ओवर नाइट. और उसको तब क्या आश्चर्यजनक लगा, जब उसने उसकी दाढ़ी पर हाथ रखा और देखा कि उसकी दाढ़ी जो थी वह कितनी, एक फुट लंबी हो गई थी. ओके. रिप वैन विंकल वॉज पजल्ड, रिप वैन विंकल जो था वह पजल्ड यानी परेशान हो गया था. He believed that he knew most of the village folks well. ठीक है, वह क्या सोचता था कि वह विलेज के अंदर बहुत सारी जगह को, सबको जानता था. But today he could not see anyone who was known to him. लेकिन आज उसे कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं दिख रहा था. The children made fun of him. बच्चे जो थे उसका मजाक बना रहे थे. रनिंग बिहाइंड देम, और उसके आसपास दौड़ रहे थे. रिप वैन विंकल स्टॉप्ड बाय अ प्लेस वेयर देयर हैड बीन अ स्कूल. और उसके बाद रिप वैन विंकल चलते चलते एक स्कूल के यहाँ पर आकर रुक गया. एंड आस्क्ड, और उसने पूछा, दैट हैड गैदर्ड, जो आसपास उसकी भीड़ इकट्ठा थी उनसे पूछा, वेयर इज शूनर द स्कूल मास्टर. क्या पूछा उसने, वेयर इज शूनर द स्कूल मास्टर, यानी जो स्कूल मास्टर थे, स्कूल में पढ़ाते थे, उनका नाम क्या था, शूनर. समबडी सेड, उस भीड़ में से किसी ने कहा, ओ शूनर ही वेंट टू वॉर इन 63 एंड नेवर कम बैक. उन्होंने क्या कहा, ही वेंट टू वॉर, वह युद्ध के लिए गया था कब, 63 में, एंड नेवर कम बैक, और वापस नहीं आया. एंड वैंडामेल, उसके बाद रिप वैन विंकल ने क्या पूछा, पहले उन्हें शूनर का पूछा, फिर पूछा, एंड वैन डैमियल, आस्क्ड रिप वैन विंकल, ही डाइड 18 ईयर्स बैक, सेड अनादर वॉइस इन द क्राउड. और तभी भीड़ में से एक दूसरी आवाज आई, उसने क्या कहा कि वैन डैमियल जो था, ही डाइड 18 ईयर्स बैक, 18 साल पहले मर गया. रिप वैन विंकल थॉट, एम आई गोइंग मैड, रिप वैन विंकल क्या सोच रहा था, मैं पागल हो जाऊंगा. हैव आई स्लेप्ट ऑल दिस ईयर्स ऑन द माउंटेन, क्या इतने सालों से मैं माउंटेन पर ही सोया था. फाइनली रिप वैन विंकल आस्क्ड, डज एनी वन हियर रिमेंबर रिप वैन विंकल. फिर फाइनली रिप वैन विंकल ने क्या पूछा, डज एनी वन हियर रिमेंबर रिप वैन विंकल, क्या यहाँ पर कोई रिप वैन विंकल को जानता है. अ वुमेन सेड, यस ही वॉज माई फादर. भीड़ में से एक औरत बोली, उसने क्या कहा, यस ही वॉज माई फादर, हाँ वो मेरे फादर थे. ही वेंट अप द माउंटेन 21 ईयर्स बैक बट नेवर रिटर्न. उसने क्या कहा, He went up the mountains, वह माउंटेन पर गए थे, यानी पहाड़ पर गए थे, कब, 21 years back, 21 साल पहले, but never return, और उसके बाद कभी भी वापस लौट कर नहीं आए. His dog come back without him,
उनका जो डॉग था जिसके साथ वो गए थे वो जरूर वापस आ गया, लेकिन रिप वैन विंकल के बिना। रिप वैन विंकल वॉज ओवरजॉयड। रिप वैन विंकल जो था वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही सेड, डॉटर, इट्स मी रिप वैन विंकल। उसने क्या बोला कि, यानी डॉटर जैसे बोलते ना बेटा या बेटी, इट इज मी रिप वैन विंकल, मैं हूँ रिप वैन विंकल। डोंट यू रिकोगनाइज मी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। ओ माय फादर, इट्स रियली यू। फिर जो वुमन थी उसने जैसे ही सुना कि रिप वैन विंकल उसका फादर है, उसने क्या कहा, ओ माय फादर, इट इज रियली यू, क्या तुम वास्तव में मेरे फादर हो। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल, इतने पूरे समय पर तुम कहाँ थे। सेड हिज डॉटर, उसकी डॉटर ने कहा। फादर एंड डॉटर हग्ड ईच अदर, फादर और डॉटर दोनों ने एक दूसरे को हग किया, यानी एक दूसरे को बाहों में लिया। रिप वैन विंकल हैड इंडीड स्लेप्ट फॉर 21 ईयर्स। क्या वास्तव में रिप वैन विंकल जो था वह 21 साल से पहाड़ पर सो रहा था। ठीक है, तो ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी किसके बारे में, रिप वैन विंकल के बारे में, जो कि बहुत लेजी था और काम से बचने के लिए वो भागकर कहाँ चला गया था, माउंटेन पर चला गया था। ठीक है, तो कल हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।